दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फेशियन। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल विहंगम हेल्थ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता आप लोग भी सुखी और निरोग होंगे, मेरी ही कामनाएं आपके साथ है। दोस्तों विगत कुछ दिनों से कई कमेंट्स आ रहे थे कि डॉक्टर साहब भिंडी के बारे में मार्गदर्शन दें, भिंडी के पानी का कैसे फ़ायदा करता है, तरह तरह के आयुर्वेद में इसके ऊपर ज्ञान है, तरह तरह की विचारधारा है, कहाँ तक सही है कहाँ तक सही नहीं है, सारी बातें बताएं, कैसे इसके पानी को पीना चाहिए, तरीके क्या हैं, सिस्टम क्या है, कब पीना चाहिए कब नहीं पीना चाहिए, खाली पेट पीना चाहिए, खाना खाने के बाद पीना चाहिए, सारी बातें मैं आप लोगों को समझाऊँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, तभी सारी बातें जान पाएंगे। और दोस्तों नए व्यूवर से गुजारिश है, दोस्तों रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, गुरु जी को अपने दर्शन नहीं देते दोस्तों, अच्छी बात नहीं है। दोस्तों भारतीय परंपरा में गुरु से शिक्षा लेकर के दक्षिणा तो देना ही पड़ता है। दोस्तों मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, मेरे गुरु दक्षिणा है, मैं खुश हूँ और मैं प्रसन्न हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों भिंडी हमारे देश में अनादिकाल से एक सब्जी के रूप में बनाई जाती है। यह बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी सब्जी है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, तमाम तक इसमें खनिज लवण पाए जाते हैं, तमाम बी कम्प्लेक्स वगैरह से भरपूर होता है, यानी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया मंद माना जाता है। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स कोई नुकसान नहीं होते, इसे कोई बूढ़े बच्चे जवान लेडीज कोई भी आदमी इसको आराम से खा सकता है। अब आता है सवाल कि इसके फायदे, भिंडी के पानी के फायदे क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों आप क्या करें, दोस्तों पानी से पहले भिंडी को धो दें, ताज़ा भिंडी, पुराना भिंडी सूखे हुए भिंडी नहीं होना चाहिए, ताज़ा भिंडी लावें और उसको पहले आप साफ़ पानी से धो दें, धूल मट्टी वगैरह उस पर बैक्टीरिया ना रहें, बारीक बारीक काट के गिलास पानी में ढक के रख दें और उसको खाली पेट पीना। अब इसके फायदे क्या हैं आप ध्यान सुनेंगे समझेंगे एंड तक बने रहेंगे। दोस्तों जिन लोगों को यूटीआई इन्फेक्शन है, पेशाब पीला होता है, पेशाब में जलन है, पेशाब बार बार आता है, मूत्र रोग है, किडनी में इन्फेक्शन है, किडनी में कचरा भरा हुआ है, पेशाब में कचरा जा रहा है, तो यह किडनी की सफाई करता है। ऐसे रोगियों के लिए भिंडी का पानी रामबाण की तरह काम करता है, गारंटी है। यह बहुत बड़ा अल्कलाइजर काम करता है, अल्कलाइजर का ये विकल्प के रूप में और घरेलू उपचार के रूप में बहुत ही बढ़िया फायदा करता है। जिन लोगों को धातु रोग है, यानी पेशाब में धातु जा रहा है, पेशाब में धातु रिस रहा है, लैट्रिन करते वक्त जब प्रेशर पड़ता है तो पेशाब में एक दो बूंद धातु गिर जाता है, देखना आप, ऐसे लोग भिंडी का पानी पियेंगे तो गारंटी है फायदा करता है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिन माताओं बहनों को सफ़ेद पानी जाता हो, लिकोरिया हो, यानी कमर कटते हो, वो भी इसके पानी को पियेंगे तो बहुत ही जल्दी फायदा करता है। भिंडी के जड़, भिंडी जड़ को निकाल करके उसको कूट के जूस निकाल के पीने से या तो सफ़ेद पानी जाने में तो रामबाण की तरह काम करता है और अति शीघ्र चंद दिनों में उसे ठीक कर देता है। भिंडी में इतनी ताकत होती है, इतनी फायदे होते हैं। तो शुगर के रोगी इसके बिंदास पी सकते हैं, बिंदास खा सकते हैं। शुगर के रोगी यदि कोई हो, इसके भिंडी का पानी पियेंगे तो शुगर जल्दी कंट्रोल करने में या सहायक चिकित्सा के रूप में काम करता है और शुगर को कंट्रोल करने में फ़ायदा पहुँचाता है, ठीक है। इसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन सब कुछ पाया जाता है। भिंडी का पानी में आप नियमित पियोगे आपको कोई बीमारी नहीं, यदि स्वस्थ भी है तो आपके स्वास्थ्य में इजाफा करता है और यह बहुत ही बढ़िया फायदा स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य वर्धक है, फायदा बहुत ही फायदा करता है। इसको अच्छा आदमी स्वस्थ आदमी पी सकता है। जिनको गैस की बीमारी, अपच की बीमारी, पेट में गर्मी रहता है, लोग कहते हैं पेट में जलन, आग जल रही है, सीने में आग जल रही है, बहुत सारी सुना होगा ना, कहते हैं पेट में लगता है हमेशा आग जल रही है, लीवर समस्या है, खाना है पचता है, भूख नहीं लगता है, अपच की बीमारी है, डकार आना, खट्टी डकार आना, ये सब जिनको समस्या है, भिंडी का पानी नियमित सुबह शाम पियेंगे तो गारंटी है बहुत ही फायदा करता है। पेट की गर्मी को निकाल के बाहर कर देता है। दोस्तों जैसे पेट में कोई गर्मी हो, पेट में होता है ना गर्मी, पेशाब पीला नहाने सा, पेट की गर्मी का सूचक है, लीवर में गर्मी है तो पेशाब पेट की गर्मी को निकाल के बाहर कर देता है। जिनको पेचिस की बीमारी, यानी बार बार आँव बनता है, आँव समझते हो ना, बार बार आँव बनने की बीमारी में
यह इसका पानी बहुत ही रामबाण की तरह काम करता है। आप बिंदास पिए आँव से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाती है। जिनको माइग्रेन है, सिर में दर्द है, चक्कर आना है, मितली है, उल्टी आता हो, वो भी इसका सेवन करेंगे तो इन सब बीमारियों से छुट्टी मिल जाता है, आराम जल्दी मिल जाता है। दोस्तों माइग्रेन में तो इसका पानी रामबाण की तरह काम करता है। सिर में हमेशा दर्द बना रहता है, सिर हमेशा भारी रहता है, इसका पानी पीने से बहुत ही जल्दी फायदा मिलता है और ये रामबाण की तरह काम करता है, समझ गए। तो ये मुख्य रूप से बताया जो बहुत ही अच्छे फायदे हैं, कोई आपको नहीं बताएगा, फ्री में मैंने आपको बता दिया। या आप इसका चिकित्सा खुद से कर सकते हो, घर पे कर सकते हैं और आप फायदा उठा सकते हैं, समझ गए। यदि आप लोगों को मेरा सलाह अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।